हेलो नमस्ते सत श्री अकाल जी, मैं वरुचुगानी तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में ब्लिसफुल यू एंड माइंड। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है बेसन करेले की सब्जी की, जो यूं बस मिनटों में तैयार होती है। यूजुअली दोस्तों देखा जाए जो करेले का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा कसैला होता है और लोग इसे बहुत कम खाना पसंद करते हैं, मगर दोस्तों ये जो मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ ना, सच कह रही हूँ, इसमें जो आपके करेले होंगे बिल्कुल भी कसैले नहीं रहेंगे। तो आइए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं, मगर रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद बेल आइकन दबा के ऑल ऑप्शन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो मेरे करेले हैं उसको मैंने गोल गोल चॉप कर लिया है धोके, और उसके बाद मैं यहाँ पे देख रहे हैं जो नींबू है, आधा नींबू वो मैंने निचोड़ लिया है और 1 टीस्पून जितना नमक डाल लिया है। अब इस तरीके से आपको उसको मिक्स कर लेना है, इससे क्या होगा, इसका कसैलापन है वो निकल जाएगा। चलिए जी, अब आपको इन करेलों को आधे घंटे के रेस्ट के लिए रख लेना है। ये देखिए आधे घंटे बाद ये जो सारे करेले हैं उनमें से मैं दबा के अच्छे से पानी निचोड़ के निकाल रही हूँ, जो भी कसैला पानी वो निकल जाए। ये देखिए इतना पानी निकला है, इसे फेंकना नहीं है साहब, हम इसे छान लेंगे और बाद में आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको पी लीजिए साहब। जी साहब, सबसे अच्छा डिटॉक्स वाटर है ये, मैं सही बता रही हूँ आपको, डायबिटीज वाले लोगों को तो ये रोज पीना पड़ता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे ये मैंने प्रेशर कुकर रख लिया है और बड़े बिग 2 टेबलस्पून जितने ये ऑयल डाल लिए हैं हमने। चलिए साहब, यहाँ पे आप देखेंगे ऑयल हमारा गर्म हो गया है, यहाँ पे 1 टीस्पून जितना मैंने जीरा ऐड कर लिया है और नेक्स्ट हम ऐड कर लेते हैं, ये हो गया हींग, जो कि मैंने 1/2 टीस्पून जितनी ऐड कर ली है। देखिए यहाँ पे जीरा लाल हो चुका है, हींग थोड़ी सी भुन चुकी है, अब डाल लेते हैं हमारे ये करेले। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नोट करने की है, यूजुअली जो ये सब्जी बनाई जाती है, कई लोग ये जो करेले जैसे हमने नींबू और नमक में सोक करके रखे थे, देन पानी हमने स्क्वीज आउट करके निकाल दिया, उसके बाद फ्रेश पानी में से धोते हैं, तो आपने फ्रेश पानी में से इसे नहीं धोना है, क्योंकि जो नमक अंदर रहेगा उसके अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। उसमें आपको एक फायदा रहेगा कि आपको एक्स्ट्रा नमक ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप देखेंगे धनिया, लाल मिर्ची, हल्दी, अमचूर और जीरा पाउडर भी मैंने डाल दिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला साहब, क्वांटिटी मैंने स्क्रीन पे दे रखी है, मसाले आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 2 टेबलस्पून के आसपास ये मैंने डाला है सौंफ, जो कि हल्का दरदरा मैंने पीस लिया था, उस स्वाद अनुसार मैंने डाल लिया है नमक। दोस्तों नमक आपको बहुत केयरफुली डालना है, बिकॉज ऑलरेडी हमारे जो करेले हैं उनमें नमक है, और यहाँ पे 1 टेबलस्पून जितना आप देख रहे होंगे मैंने बेसन डाल लिया है। तो चलिए साहब अब मिक्स कर लेते हैं। तेल अगर आपको थोड़ा सा कम लगता है तो आप तेल डाल सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सारे मेरे जो मसाले हैं अच्छे से मिक्स हो चुके हैं साहब। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, देखिए गैस मेरा बंद था, अब मैं गैस वापस से चालू कर रही हूँ। सिम टू मीडियम गैस पे रख के आपको इस सब्जी को अच्छे से पकाना है। ये देखिए यहाँ पे 5 मिनट्स हो चुके हैं और मेरे करेले अच्छे से सिक चुके हैं थोड़े से। अब आपने क्या करना है, एक परात रखना है या एक डिश रख लीजिए, बड़ा बाउल जैसे मैंने रख लिया, उसके ऊपर पानी भर लिया है, ताकि क्या होगा जो हमारे करेले हैं, ये देखिए इस तरीके से मैंने रखा है, ताकि क्या होगा जो हमारे करेले हैं ना वो अच्छे से सिक के रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने किसी भी हिसाब का इसमें पानी नहीं डाला है, तो कंडीशंस क्या होती हैं, जब आप गैस पे रखेंगे तो थोड़े ये जलने के चांसेस रहते हैं या चिपकने के चांसेस रहते हैं ये मसाले, मगर आप जब ऊपर ये जो स्टीम का बाउल बड़ा भर के रखेंगे तो उससे क्या होगा, ये चिपकेंगे नहीं कुकर में और काफ़ी अच्छे से सिक के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर आफ्टर 15 to 20 मिनट्स हमारे करेले बहुत अच्छे से सिक चुके हैं, और इन केस अगर आपको होता है कि आपके करेले अभी भी चिपक रहे हैं बाउल रखने पर, तो आप हल्का सा पानी का लगा सकते हैं। सो आइए दोस्तों फटाफट से कर लेते हैं प्लेटिंग। आई होप ये बहुत ही सिंपल एंड क्विक रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, बना के देखिए, रेसिपी बहुत ही सिंपल तो है ही, प्लस खाने में बहुत ही टेस्टी है। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसी ही बहुत ही अमेजिंग सब्जियां मेरे चैनल पे हैं, आप चाहें तो चैनल में मेन कोर्स प्लेलिस्ट करके है उसमें जा सकते हैं, उसमें आपको सारी सब्जियां मिल जाएंगी, और स्पेशली करेले की एक बहुत ही अमेजिंग सब्जी है जो मैंने बहुत टाइम पहले अपलोड करी थी, ज़रूर से वो चेकआउट कीजिएगा, आपको मज़ा ही आ जाएगा। साहब चैनल पे और भी प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी हैं, जिसमें आ जाते हैं केक्स, डिफरेंट मेन कोर्स रेसिपीज, स्नैक्स एंड मैनी मोर, ज़रूर से चैनल पे विजिट कीजिएगा और उसमें प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। दोस्तों आप इस सब्जी को रोटी, नान, चावल के साथ इंजॉय कर सकते हैं, यूजुअली ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है अगर आप चावल साथ में उसके साथ दही मिक्स कर लें और ये सब्जी को ले लें, बहुत ही मज़ा आ जाएगा।
और दोस्तों मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि चैनल पे बहुत ही अमेजिंग उपवास की रेसिपीज भी मैंने डाल रखी हैं, ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही मतलब कम टाइम में बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती हैं वो रेसिपीज़, ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा और आपके रिव्यूज़ में से शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सो दोस्तों मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके साथ शेयर करूं कुछ ऐसी रेसिपीज जो बनने में क्विक हो, लेस टाइम कंज्यूमिंग हो और खाने में साफ डिलीशियस हो प्लस दिखने में टेम्प्टिंग हो। सो दोस्तों ऐसी ही आने वाली रेसिपीज में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चॉकलेट ट्रफल्स, मुंबई का वड़ा पाव एंड ऐसी ही अमेजिंग स्नैक्स। सो आपको क्या काम करना है, आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, आपके रिव्यूज़ मेरे साथ शेयर करने हैं, बिकॉज साहब आपके रिव्यूज़ जब मिलते हैं ना तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके साथ ऐसी ही अमेजिंग रेसिपीज शेयर करती रहूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आप मुझे यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप उसे क्लिक करके मुझे इजीली फॉलो कर पाएंगे। चलिए दोस्तों इट्स टाइम टू से बाय बाय नाउ, मिलती हूं ऐसी कोई अमेजिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप मुझसे रहिए कनेक्टेड एंड रहिए स्टे ब्लिसफुल एंड स्टे हेल्दी।